कहा जाता है जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, ऊपर वाला किसी ना किसी रूप में अन्याय को मिटाने के लिए जरूर किसी ना किसी को भेज ही देता है, या यूं कहें कि अति का अंत अवश्य है। हाँ, ऊपर वाले के वहां देर जरूर हो सकती है, मगर अंधेर नहीं। आइए हम आपको थोड़ा थोड़ा करके विस्तृत से समझाते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में कुछ ऐसे नर पिशाच दाते राक्षसों का इतना आतंक फैल गया था कि नर तो क्या, नारायण भी उनके कुकर्मों से ऊब चुके थे। कारण था कि यह सर्वभक्षी दात्य रूपी मनुष्य चांडाल का काम करके जीव प्राणी और मनुष्य का लंबे समय से भक्षण कर रहे थे। इन दैत्यों का नाश कैसे हो सके, इसके लिए सब लोग इंतजार कर रहे थे। मगर वह समय भी कोई ज्यादा दूर नहीं था जहां धार क्राइम ब्रांच की टीम ने अपनी जान की बाजी लगाकर इन राक्षसों की गिरेबान तक पहुंचकर इनके आतंक का अंत किया और जनता के लिए एक मिसाल पेश कर उनका ना सिर्फ विश्वास जीता बल्कि उन्हें सुख शांति से जिंदगी जीने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन भी किया। धार से देखिए हमारे संवाददाता अमर वर्मा की है खास रिपोर्ट। धार SP आदित्य प्रताप सिंह के निर्देशन में क्राइम ब्रांच की टीम ने 4,23,000 के 20 कुख्यात अपराधियों को जेल में ढकेला और एक इतिहास रचा है। आपको बता दें कि ये कुख्यात गैंग माचलिया, बोडा और जमदर भुतिया में आतंक मचा चुकी थी। हम आपको आगे दिखाएंगे हमारी रिपोर्ट में कि किस प्रकार से ये लोग इस राह को अपनाते थे और इनको रोकने की क्या संभव है। कैमरामैन दिनेश मीनारा के साथ अमर वर्मा, समाज एक्सप्रेस, धार। हम जो आपको कह रहे हैं वह आपको जरूर अजीबोगरीब लग रही होगी। आखिर माजरा है क्या? दरअसल माजरा यह है कि धार जिले के टांडा क्षेत्र की जामदा भूतिया गैंग, गंधवानी क्षेत्र की बोरडा बारा गैंग और झाबुआ जिले की माछलिया गैंग ने कई सालों से जघन्य अपराध करके क्षेत्र में आतंक मचा रखा था, जिन्होंने बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया और हैवानियत की हद पार कर दी, जिसको लेकर पूरे जिले में दहशत का माहौल बना हुआ है। लेकिन धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में तथा धार क्राइम ब्रांच प्रभारी संतोष कुमार पांडे के निर्देशन में धार क्राइम ब्रांच की पूरी टीम ने इन कुख्यात गैंगों में ऐसी सेंध लगाई कि एक एक करके बदमाश सब के सब सलाखों के पीछे जमा कर दिए गए। इस प्रकार की कार्यवाही में टीम पर जानलेवा खतरनाक हमला भी हुआ था, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने हार नहीं मानी तथा बदमाशों का डट कर मुकाबला किया और पकड़ पकड़ कर जेल के कैद खाने में डाल दिए गए। आपको बता दें कि धार क्राइम ब्रांच की टीम ने जामदा भूतिया गैंग, माछलिया गैंग और बोर्डा गैंग के 4,23,000 रुपए के 20 इनामी बदमाशों को पकड़कर जेल में धकेला है। इतना ही नहीं बल्कि इस टीम ने मात्र एक साल में यानी सन 2019 में कुल 181 आरोपियों को पकड़कर जेल भेजा जो विभिन्न प्रकार के अपराधों में लिप्त थे, जिनका सफाया इस टीम ने किया और क्षेत्र में भांति कायम करने में अहम भूमिका निभाई। धार SP आदित्य प्रताप सिंह व क्राइम ब्रांच की टीम को जनता का भरोसा जीतने के लिए समाचार एक्सप्रेस की ओर से बहुत बहुत बधाई। हमारी अगली रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि कम उम्र के युवा वर्ग आखिर क्यों गैंग में शामिल होकर अपराध की राह अपना लेते हैं और इन युवाओं को अपराध की दुनिया में जाने से कैसे रोका जा सकता है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।